थैंक यू। शैतान को हुक्म कर सजदे इंसान को वो नाफरमान कर गया, शैतान को हुक्म कर इंसान को वो नाफरमान कर गया, इंसान को देखकर तौबा की तौफीक खुद मेहरबान कर गया। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो आवर फोर्थ पार्टिसिपेंट इज फुरकान, प्लीज कम अप ऑन द डैश एंड प्रेजेंट हिज टॉपिक। रात सोचा तेरे एहसान लिखूं, रात सोचा तेरे एहसान लिखूं, हो गई जुबा क्या क्या मैं नादान लिखूं, मेरे अल्फाज नहीं काबिली तेरे शान के, मेरे अल्फाज नहीं काबिली तेरे शान के, मैं किस तरह तेरी हस्ती के उनवान लिखूं। इस सूखी छड़ी से बदतर है वो औलाद, इस सूखी छड़ी से बदतर है वो औलाद जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा ना बने। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब व दीगर उसातिज़ा साहिबान, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौजू का अनवान है वालिदैन के हुकूक। अल्लाह ताला ने कायनात में अफजल व शरफ मखलूकात इंसान बनाया है। वालिदैन दर हकीकत इंसान के दुनिया में आने का जरिया होते हैं। हमारा वजूद वालिदैनी की वजह से होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया और इनके हुकूक के अदायगी की तलकीन की है। मोहब्बत का जज्बा फितरी तौर पर इन वालिदैन को अता किया गया। औलाद के लिए वालिदैन दुनिया में सबसे बड़ी नामत है। वालिदैन की जिस कदर इज्जत व तौकीर की जाए, इस कदर इसके सआदत से सरफराज होंगे। शरीयत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, तेरे परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुके हैं, तुम मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाए तो इनके आगे उफ भी ना कहो, न इन्हें डांट टाप करना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम से बात करो। मज़कूर आया करीमा है, अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ ही साथ वालिदैन का हुस्न सलूक का हुक्म दिया, और इनको उस तक भी न कहो। वालिदैन की इज्जत व एहतराम दीनी व दुनियावी बेहतरी का सबब होता है। खुशनसीब है वो लोग जिनके सरों पर वालिदैन का साया है, और सआदतमंद वो औलाद जो हर हाल में अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक रखते हैं और एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम मेरी इबादत करो और इसके साथ किसी और को शरीक मत ठहराओ और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला मजीद फरमाता है, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि मैं क्या खर्च करें, कि हम क्या खर्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ माल तुम खर्च करना चाहते हो वो माँ बाप का हक है, यतीमों का हक है, मोहताजों का हक है, मुसाफिरों का हक है, जो नए काम करेंगे अल्लाह ताला इससे बाखबर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह बतलाऊं। लोगों ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नाशुक्री करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैं अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत और जहादत के लिए बास करना चाहता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप में कोई जिंदा है? तो इस शख्स ने कहा, दोनों हयात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम वाकई अल्लाह ताला से अजर व अजमत का तलबगार हो? तो इसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा अपने वालिदैन की खिदमत कर। इस शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इस शख्स ने दूसरी मर्तबा पूछा, मेरे हुस्न सलूक का ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो इसने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने तीसरी मर्तबा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया, तुम्हारी माँ। इस शख्स ने चौथी बार पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। माँ बाप की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है हमने बाप के चेहरे की चुड़ियाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, चुनाचे तुम्हारे इख्तियार खवाई इसके नाफरमानी करे और दिल देखा है, इस दरवाजे को वाजिया कर दिया है, इसकी नाफरमा बरदारी और इसके दरवाजे को राजी रखकर इस दरवाजे की हिफाजत करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स को यह पसंद हुआ कि इसकी उम्र दराज हो जाए, इसके रिज़्क को बढ़ाई दिया जाए, तो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ सलाह रहमी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जलील हो जाए फिर जलील हो जाए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स जलील और खोर हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाकर और जन्नत हासिल ना करे।
लिहाजा हमें वालिदैन की इताअत और फरमा बरदारी में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, खासकर जब वालिदैन या दोनों में कोई बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनको डांट न करें। आखिर हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे माँ बाप को सेहतियाब रखें। आमीन सुम्मा आमीन। वाकिर दावा।